हेलो वेलकम बैक टू चैनल गाइज, आप देख रहे हैं आकृति व्लॉग्स की एक और नई वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो जो है वो हम द्वारका में शूट कर रहे हैं। मैं द्वारका आई थी किसी काम से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी गाड़ी के ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई जाए कि हाउ टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार, जो कि मेरे पास है, जो कि आप सबको पता है मेरी टाटा टियागो है। सो वी विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू ड्राइव इट, और ये वीडियो मैं बताऊंगी आपको कैसे ड्राइव करने, क्योंकि आई लव ड्राइविंग दिस कार एंड मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी आती है, जैसा कि आपको पता है चलानी। सो आई ड्राइव दिस कार, और इस वीडियो को शूट करने के लिए हमारे साथ है राहुल, और साथ में हमारे साथ विशाल भी है। से हाय विशाल। सो भाई, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज पूरी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो सबने मास्क, मैं गाड़ी चलाऊंगी, एक जना पीछे बैठेगा और राहुल छत पे बैठ के शूट करेगा। चलो भाई ठीक है। सबसे पहले थोड़ा लोगों को जरा ट्रांसमिशन समझा दे ऑटोमेटिक में कैसा देखने में होता है। विशाल, जो बंदा मैनुअल गाड़ी चला लेता है वो ऑटोमेटिक चला लेता है आराम से, लेकिन जो ऑटोमेटिक चलाता है मैनुअल चला पाता है? जो शुरू से ऑटोमेटिक चलाता है उसको बहुत दिक्कत होती है, मेरे को तो हुई है, स्पेशली मेरे को तो होती है दिक्कत चलाने में। मैं तो ओपनली बोलती हूँ, मैं शुरू से ऑटोमेटिक चला रही हूँ, तो मुझे मैनुअल चलाने में बहुत दिक्कत और बहुत आफत आती है मुझे चलाने में। तो मोस्ट प्रोबेबली सेम डे में हम लोग हो सकता है मैनुअल की भी वीडियो निकाले, ऑटोमेटिक की भी निकाले, या फिर आकृति इसको आज ही डाल दे घर जाके और कल जो है फिर कोई दूसरी वीडियो देखने को मिले। कि आप देख के बोलो कि यार चलो एक कंपैरिजन भी है कि मैनुअल चलाना इजी है ऑटोमेटिक, और मुझे पता आप सब ये बोलो कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बहुत इजी है, बहुत मजा आता है नेटिव। लेकिन थोड़ा समझा दो कैसा होता है, कैसे क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़। पहले मैं अपनी गाड़ी के बारे में बता देती हूँ। मेरी टाटा टियागो जो मैंने 2019 में खरीदी थी, दिस इज एक्साइडेड टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, दिस इज रेड इन कलर एंड कम आई विल जस्ट शो यू। गाड़ी थोड़ी गंदी है, प्लीज डोंट माइंड। सो नो क्लच, ओनली एक्सेलेरेटर एंड ब्रेक। तो तू भी बीच में, तूने अभी एक वीडियो में क्या बोल दिया था, हैंड ब्रेक को? मैंने हैंड ब्रेक को ना गलती से क्लच बोल दिया था। सो ठीक है, बाकी सब ये स्टीयरिंग सेम है, यहाँ पे सेम है कि यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर और लाइट के लिए और ये वाइपर्स के लिए ये सेम है, और मेन जो आता है ना वो गियर बॉक्स में आता है। राहुल आप उस साइड से आ जाओ, आई विल जस्ट शो देम। तो ऑटोमेटिक का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आकृति अभी शूट कर रही है, तो इसमें ऑप्शन जो जो है रिवर्स न्यूट्रल ऑटोमेटिक का मतलब, यानी कि आप लोग जब अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, जिसको हम डी बोलते हैं, इसी के साथ में स्पोर्ट्स मोड भी है। आप लोगों को पूरी गाड़ी जो चेकआउट कराएंगे, तो विशाल पीछे बैठेगा। हमारी एक हम शूट आज एक और कर रहे हैं जिसमें हम लोग मैनुअल गाड़ी चलाना सिखाने वाला जो है वो शूट करेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल के लिए आकृति वाले व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। बैठो भाई विशाल। सो गाइज, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, ऑटोमेटिक गाड़ी मेरी वाली जो है, हर गाड़ी का अलग अलग सिस्टम होता है, बट मेरी वाली गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, इसको अगर आप चाबी लगा के डायरेक्ट घुमाओगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी, आपको ब्रेक दबा के फिर चाबी घुमानी है तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। इसके अलावा गियर बॉक्स की तरफ आ जाते हैं, गियर बॉक्स में दिस इज न्यूट्रल, दिस इज रिवर्स, दिस इज ऑटोमेटिक, दिस इज फॉर स्पोर्ट्स मोड। अभी सिटी मोड पे गाड़ी है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ब्लू में लिखा है सिटी मोड, ये लिखा ऊपर 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 लेफ्ट, ये सिटी मोड पे, अगर मैं इसको दबाऊंगी तो ये गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पे आ जाएगी, और स्पोर्ट्स पे ये गाड़ी जर्क नहीं लेती है, सिटी मोड पे थोड़ा अगर गियर शिफ्टिंग होता है तो थोड़ा सा जर्क आपको फील होता है। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी मैनुअल पे चलानी है तो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, मैनुअल पे चलाने के लिए आप गाड़ी को पीछे ऑटोमेटिक पे लाइए, इसको इधर घुमाइए तो ये मैनुअल पे आ गई। अब आपको अगर गियर शिफ्ट करना है, ऊपर बढ़ाना है, तो आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा, और नीचे करते टाइम वो अपने आप गाड़ी नीचे के लिए कर ले। और बेसिकली अगर ऑटोमेटिक गाड़ी में आप मैनुअल में भी गाड़ी चला रहे हो, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो या कम करते हो तो वो अपने आप ऑटो शिफ्ट ही हो जाता है। आकृति ने कुछ चीजें है जो कि मैं एड ऑन करके बताया था। नॉर्मली जितनी भी आप लोगों की ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उनमें जब आप अपने गियर्स चेंज करने होते हैं उसमें ऐसे नहीं होता, चलती गाड़ियों में आप रिवर्स या फिर आप लोग कोई चीजें डाल सको, यानी कि अगर आपने एकदम से न्यूट्रल डालना है तो आपने अगर पूरा खड़ा ब्रेक मारा, गाड़ी पूरी रुक गई, उसके बाद ही आपकी गाड़ी अच्छी तरीके से जो है न्यूट्रल में शिफ्ट होकर रुकेगी। अगर आपने चलती गाड़ी में चीज ट्राई करोगे तो ये चीजें नहीं हो सकती। आकृति के दिमाग में चीजें हैं, वो बोल नहीं पाई क्योंकि उसका मास छोटा है, और जितना हो सकता है मास छोटा नहीं है, मेरे कान छोटे हैं, मास नीचे गिर रहा है। चलो भाई ठीक है विशाल भाई, और कुछ चीजें ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में? और यार कुछ कुछ गाड़ियों में ए की जगह डी होता है, पी आर एन डी होता है, बेसिकली पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव होता है। ठीक है, ये चीजें होती है, ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। बेसिक गाड़ियां तो इसमें बेसिक ही दिया हुआ है, बाकी गाड़ियों में तो यार जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल होता है और बहुत सारे और भी फीचर्स होते हैं, मेरी बेसिक गाड़ी है तो इसमें बेसिक फीचर है। ठीक है, जैसा आकृति ने बात किया वो आपके जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उसके बारे में बात कर रही है। तो बेसिकली इसमें आप लोगों का जो लेफ्ट पैर होता है उसका यूज होता है कि नहीं होता है? लेफ्ट पैर का बिल्कुल यूज नहीं होता, सिर्फ आपको अपना राइट लेग यूज करना है फॉर ब्रेक एंड फॉर एक्सेलरेशन। गलती से भी लेफ्ट पैर से ब्रेक मत दबाना, बहुत जोर से दबते हैं और गाड़ी ठुकने के बहुत। मैंने यार कुछ लोगों को देखा है कि लोग दोनों टांगों से चला सकते हैं गाड़ी। अच्छा, तो उनकी आदत बन जाती होगी, क्योंकि बोलते जैसा बोलते हैं कि लेफ्ट पैर से जो है वो ब्रेकिंग बड़ी तेज लगती है, जैसे मैनुअल वालों को आदत होती है क्लच की, कुछ लोग कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। अच्छा ऐसा होता है, तो वैसे बंदों से मिलवाइयो भाई।
ठीक है भाई, तो आकृति तो एक ही पैर यूज कर रही है। आ चुकी है गाड़ी चलाने की, तो इसमें आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप अपनी गाड़ी को, आपको एक बार ऑटोमेटिक मोड में डाल के दिखाइए, तो आपने ड्राइव मोड में डाला, तो आकृति सबसे पहली चीज ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ क्या फायदा है, जो कि मैनुअल गाड़ी में जो झटके वाली चीजें पड़ती है वो इसमें आती कि नहीं आती है? इसमें बिल्कुल नहीं आती है। जैसे गाड़ी बंद नहीं होगी कभी, कभी बंद नहीं होगी। अगर आप जैसे आपको मैनुअल गाड़ी में क्लच धीरे धीरे छोड़ के गाड़ी की स्पीड मेंटेन करनी है, फिर सेकंड गियर पे डालना है, इसमें आप नॉर्मल ब्रेक छोड़ो, गाड़ी चलना स्टार्ट, आप एक्सीलरेशन दबाओ और ये सेकंड गियर पे चली जाएगी अपने। ये देखो अपने आप स्पीड मेंटेन होगी, अपने आप सेकंड गियर पे चली जाएगी, आ गई सेकंड पे, बहुत परफेक्ट है। इसमें हमारे हमेशा सावधानी नहीं है भाई, हमें नहीं सोचना कब हमें गियर शिफ्ट करना है। और एक चीज और बता आकृति, जैसे चलो ये तो बात तेरी बात ठीक है कि ऑटोमेटिक गाड़ी बंद नहीं होती है, लेकिन तू जैसे रोड में गाड़ी चला रही है, तूने अपनी राइट लेन देखनी है, लेफ्ट लेन देखनी है, तो उसको तू कैसे ध्यान देती है, थोड़ा ऑडियंस के साथ ये भी शेयर कर। मैं गाड़ी सीधी चला रही हूँ, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में अगर मुझे राइट या लेफ्ट मुड़ना है तो मैं इस शीशे में उस शीशे में देख लेती हूँ, और पीछे वाले शीशे पे मैं देखती रहती हूँ कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही कि जो जिसकी नजर भी इस पे नहीं बन पा रही है। ठीक है, और एक चीज और है भाई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कुछ लोग बेवकूफी करते हैं, ये साइड मिरर्स यूज नहीं करते हैं भाई, वो बेवकूफ होते कि नहीं होते? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं यार। हमने तो शुरू से ही सीखा है कि साइड मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू यूज देम, ऐसे गाड़ी पर में शीशे बंद करके बिल्कुल नहीं चलाना। बिल्कुल सीधे ले ले, थोड़ा सा लोगों को क्राउड वाली जगह में लेके जाएंगे, क्योंकि तू प्रो है, तो जितने भी लोग नई गाड़ी सीखने वाले, जितने नई गाड़ी सीखने वाले हैं, प्लीज जहां पर आपकी प्रैक्टिस होती है वहीं पर गाड़ी चलाए। जैसे यहां पर देख लो आप लोग, प्रैक्टिस चल रही है गाड़ियों की, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो। थोड़े से और फैक्ट्स बता कि ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ, अब जैसे ब्रेकिंग के बारे में बात होती है, मैनुअल गाड़ी में अलग तरीके से हम लोग गियर शिफ्ट करके विशाल जैसे ब्रेकिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिक में आपको तू क्या करती है? मैनुअल गाड़ी में क्लच दबा के भी आपको ब्रेक दबाना पड़ता है, इसमें आपको कोई सावधानी नहीं दी है, धीरे ब्रेक दबाओ। बिल्कुल दिखा दे ऑडियंस को, ये देखो धीरे धीरे ब्रेक दबाओ, गाड़ी स्लो जाएगी, आपको कोई सावधानी नहीं है, क्लच के साथ ही आपको दबाना वरना गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारी गाड़ी तो कभी बंद हो ही नहीं सकती है। तो मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने वाले बंदों को गाड़ी सीखने की जरूरत है कि नहीं है? गाड़ी सीखने की जरूरत है, गाड़ी यार उसमें आपको लेफ्ट राइट ब्रेक कब लेना है वो सब चीजें सीखने की तो सबको जरूरत है, और पावर कितनी लगानी ये भी जरूरी है। हाँ, कि आप ब्रेक कितना दबाना है, धीरे धीरे कैसे दबाना है, एक्सेलरेशन कैसे धीरे धीरे करना है, वो सब सीखने की जरूरत तो यार ऑब्वियसली बात है। देखो एक चीज लगती है यार ऑटोमेटिक गाड़ी में, कि ढलान में इसमें दिक्कत होती है। ढलान में क्या दिक्कत होती है? पावर लैग का लैग होती है इसमें, पावर लैग होती है। चलो ये मेरे को भी एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज लगती है, मेरे को भी इसलिए पर्सनली पसंद नहीं है ऑटोमेटिक गाड़ी, क्योंकि यार ऑटोमेटिक गाड़ी वही, अगर आप कभी सूं की तरह खींचोगे, अगर आकृति अभी खींच के दिखाएगी, थोड़ा एक्सेलरेट करके दिखा, लगातार दबा के रख, देखो अगर आप लगातार देखोगे तो आकृति का जो ये इंजन का जो पूरा ये बॉक्स है, मतलब आप लोगों का जो पूरा लैग जो है, हल्की हल्की गाड़ी मारती है, शिफ्ट में जब जाती है तो लैग मारती है, गियर शिफ्टिंग में लैग मारती है थोड़ा सा, कि अगर आप इसमें सोचो कि आप हाईवे पे ओवर स्पीड करके इसको ओवरटेक कर लोगे किसी गाड़ी को, तो वो आपको स्पोर्ट्स मोड पे ही चलानी पड़ेगी, सिटी मोड पे नहीं चला पाओगे। चलो भाई ठीक है, तो स्पोर्ट्स मोड जो है आप लोग ऐसे डाल सकते हो, चलती हुई गाड़ी के अंदर आवाज आएगी और एक स्पोर्ट्स मोड इसमें लग जाएगा, तो गाड़ी लैग नहीं मारेगी, सेकंड से थर्ड पे जाने में लैग नहीं मारेगी, मतलब पॉजिटिव है ये चीज। और आकृति इसके बारे में थोड़ा सा और चीज बता, कि जजमेंट जो ऑफ कोर्स ही बात है, मैनुअल और ऑटोमेटिक में दोनों में सेम होता है, लेकिन तूने जजमेंट कैसे रोड में बनाया, कि कितने दूर में रोकना है, कैसे राइट टर्न लेना है, कैसे यू टर्न लेना है, कैसे सीखा तूने ये बार बता लो? यार ये तो गाड़ी चला चला के एक्सपीरियंस करके होता है, आप जब लर्निंग स्कूल से गाड़ी सीखते हो तो आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि आपको कैसे रोकना है, कितनी दूरी पे आपको ब्रेक मारना शुरू करना है और एक्सीलरेशन धीरे धीरे कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली आपको ब्रेक और एक्सीलरेशन दोनों पे अपना पैर मेंटेन करके चलना पड़ता है अगर आप बिजी रोड पे चल रहे हो तो। चलो भाई ठीक है, आकृति ने ये पॉइंट भी बहुत अच्छा बताया, लेकिन आकृति फिर भी देख, जैसे एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है जब हम लोग यू टर्न लेते हैं, स्पेशली हम मैनुअल वालों के पास क्या ऑप्शन होता है, हम लोग गियर नीचे कर लेते हैं अगर बाय चांस कभी यू टर्न लेना है, तो ऑटोमेटिक वाले कैसे करते हैं? यार ऑटोमेटिक वालों के साथ कोई दिक्कत ही नहीं ना, अगर आप ब्रेक छोड़ के भी गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी रुकेगी नहीं, आपने ब्रेक छोड़ा हुआ है, आप ब्रेक छोड़ के धीरे धीरे स्पीड में गाड़ी चलेगी, आप धीरे धीरे ब्रेकिंग लेते रहो, इससे आपकी गाड़ी रुक भी जाएगी, और अगर आपको ब्रेक लेना है तो आपकी गाड़ी रुकेगी, अगर आपको चलते रहना है तो आप ब्रेक। तो बिल्कुल यहाँ से आकृति जो है अभी आप लोगों को एक परफेक्ट यू टर्न लेके मतलब इस तरफ दिखाएगी, तो आप लोग देख लो आपने कैसे जजमेंट बनाया किया। मेरा पैर बिल्कुल भी एक्सीलरेशन पे नहीं है, मेरा पैर सिर्फ ब्रेक पे है, कि मैं ब्रेक छोड़ रही हूँ तो गाड़ी चल रही है, और अगर मुझे स्पीड देनी है तो मैं एक्सीलरेशन पे पैर रख रही हूँ, वरना मेरा पैर यू टर्न के टाइम पे तो ब्रेक पे ही रहता है। और एक चीज और बता, इंडिकेटर्स का कितना बड़ा रोल प्ले करता है जब आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हो, या दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो, या किसी भी सिटी में चला रहे हो, तो इंडिकेटर्स देना कितना जरूरी है? यार हाईवे हो या सिटी हो, इंडिकेटर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे आप लेफ्ट राइट आपको मुड़ना नहीं है, लेकिन अगर आपको सीधा जा रहे हो, आपको यहाँ एक गाड़ी, आपको उसके आगे अपनी गाड़ी लगानी है, तो आपने राइट का इंडिकेटर तो देना पड़ेगा ना, वरना उस बंदे को कैसे पता लगेगा?
दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं करते, पर ये बहुत गलत चीज है। और अभी आपने भी नहीं किया इसलिए मैंने बोल दिया, तो आपने यहाँ से अब राइट लेके दिखाना है ऑडियंस को। तो आप लोग देख लो आकृति कैसे पूरा जजमेंट बनाती है, ठीक है। थोड़ा सा आकृति राइट में भी देखती होगी अपने। मैं राइट में बिल्कुल देखती हूँ, ऐसा ना हो यार कि जो फुटपाथ होता है इस पे मेरी गाड़ी चल जाए या अटक जाए या एक्सीडेंट हो जाए, वो मेरे साथ टच वुड अब तक नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता आगे कभी ऐसा हो भी। चलो भाई बहुत परफेक्ट बात है। इसी के साथ में आकृति अगर कहीं पर गाड़ी साइड में रोकती है तो एक चीज अक्कू और आप लोगों को सिखा सकती है कि अगर मतलब स्पेशली ऐसा नहीं है कि हम किसी लड़के या लड़की को टारगेट करते हैं, क्योंकि सबके सब भाई इक्वल है। एंड इवन मैं समझता हूँ कि आज के टाइम पे लड़कियां ज्यादा जो है ऊपर उठ के बहुत सारी चीजों में ऊपर आ रही, इवन बहुत सारी अच्छी अच्छी बहुत बेटर करती है, लेकिन कुछ लड़कियों के साथ ऐसा है कि नहीं है क्या? कि वो ड्राइव जो अच्छे से नहीं करती है, वो डर डर के ज्यादा चलाते हैं आपको धीरे धीरे। और तू बैक कैसे करती है, सच चीज जरा ऑडियंस को बता, बैक गियर पहले डाल के दिखा। यार बैक करने के लिए ना बड़े सारे लोग, अब तूने पूरा बैक करके उसी रोड से वापसी जाना है। मैं क्या बोल रही हूँ पहले मेरी बात सुनो। बिल्कुल बैक करने के लिए ना बड़े सारे लोगों को कैमरे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि राहुल मेरे को पड़ती है भाई, कैमरे के बिना ये बैक नहीं करते। विशाल भाई कैसे भी बैक कर सकते हैं, मतलब अगर पताल की रोड बची हुई आखिरी तो ये उसमें से भी घुमा देंगे। मेरे को बैक करने के लिए बिल्कुल कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती। चलो एक बार चेक करा दो शीशे, और ये शीशा ही ना पर, क्योंकि तेरे को आदत हो गई है। ठीक है तो बैक गियर देखो, बैक गियर मैंने लगाया, बैक गियर के बाद मैंने अपना हैंडल रखा बिल्कुल सीधा, इसको कहीं नहीं मोड़ा। इसको वैसे हैंडल की जगह में अगर आप स्टेयरिंग बोलोगे तो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। मैं तो हैंडल ही बोलूंगी। ठीक है चलो भाई, ठीक है चलो, मेरा स्टेयरिंग है बिल्कुल। पहले एक बार फिर से दिखाओ कैसे आपने न्यूट्रल से उसमें शिफ्ट किया। ये ऑटोमेटिक पे थी, हाँ ऑटोमेटिक पे थी, इसको मैंने न्यूट्रल पे डाला, ब्रेक दबा हुआ मेरा, न्यूट्रल से रिवर्स पे डाल दिया, आवाज आ गई रिवर्स पे। ठीक है अब आपने इसको पूरा घुमा के वापसी उसी रास्ते लेके जाना, कैसे करोगे? मेरा हैंडल सीधा है, जब तक वो टर्न नहीं आता तब तक मेरा हैंडल सीधा है, और मैं धीरे धीरे अपने ब्रेक से पैर हटा रही हूँ, एक्सेलेरेशन में नहीं दूंगी, सिर्फ ब्रेक पे मेरा पैर आएगा। देख लो एक बार, आप लोगों को ये भी चीज दिख जाएगी कि अगर पीछे से कोई आए तो मेरी गाड़ी उससे ठुकेगी। चलो चेक करो, बिल्कुल तो आप इधर से यू टर्न लेके दिखा दो, क्योंकि ये थोड़ा क्लमजी जगह भी है ना, तो बिल्कुल देख लो आकृति हल्का हल्का ब्रेक भी ले रही है, तो आप इधर से यू टर्न लेके दिखा दो। मैं उधर पार्क करके दिखा देती हूँ ना। नहीं उधर से हमने इसको घुमा के वापसी जाना है ना। अच्छा, तो कैसे घुमा के लेके? हाँ पीछे जाना है ना। तो आपने ये कैसे जज किया कि गाड़ी ऐसे ही काटनी पड़ेगी? क्योंकि हमने उस साइड जाना है ना। मेरी गाड़ी में सेंसर है तो उससे मुझे पता लगता रहता है कि पीछे गाड़ी ठुकने तो नहीं वाली है। देख लो सेंसर तो भाई जरूरी है, अगर कैमरा नहीं है तो सेंसर तो चाहिए। एक चीज तो नहीं चाहिए। विशाल भाई आपके पास क्या है? कुछ नहीं है भाई, भाई कहता है आवाज आ जाएगी पीछे से। बहुत परफेक्ट भाई, बहुत अच्छी तरीके से अक्कू ने पूरा मोड़ा है। और अक्कू आपको अपनी गाड़ी में आगे बोनट दिखता है कि नहीं दिखता है? इस गाड़ी में नहीं दिखता, लेकिन स्कॉर्पियो और चलाते तो उसमें दिखता है। हाँ, किया में भी थोड़ा बहुत दिखता है, इसमें नहीं दिखता, और इसमें मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे कहां से कितना रोकना है। चलो भाई बहुत परफेक्ट है, चला के आता है वो अंदाजा ना, अंदाजा चला चला के आता। जितना आपको आकृति ने बेसिक चीज बताई वो यही थी कि भाई आप लोग जो है जब भी अपनी गाड़ी चला रहे हो तो सबसे मेन चीज उसमें जो रहेगी वो यही रहती है कि आप लोग जो है पूरा आकृति लेफ्ट ले सकती है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं चलाना जाएगा आपके घर पे। तो आकृति से जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, आकृति एक स्ट्रेट रोड में जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो कैसे आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हो? कुछ लोग क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा स्टीयरिंग हिलाते रहते हैं, बताना कैसे हिलाते रहते हैं? गलती मैंने शुरू में जब मेरा ड्राइविंग मैं सीख रही थी ना उस टाइम पे मैं करती थी, क्योंकि मैंने बड़े सारे लोगों को ना ड्राइव करते हुए देखा, वो बार बार ऐसे 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 करते हैं। और उसके ऐसे गाड़ी क्या होती थी, शेकी होती थी कि नहीं होती थी? वो मेरे फिर ट्यूटर ने बिल्कुल ब्रेकर आ गया इसमें, अगर आप ब्रेक लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, परफेक्ट, क्योंकि पिछली बार क्या बताया था यहाँ से टकराएगा नहीं। आपको ने अपनी वीडियो में बताया था ना कि हेडरूम बड़ा अच्छा है, तो बिल्कुल देख लो आकृति अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके चल रही। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में कितना टाइम लगता है गाड़ी चलाने में? यार कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में एक महीना भी लग सकता है, छह महीना भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि आप कैसी जगह पे चला रहे हो। अगर आप रोड पे लाइक जैसे दिल्ली के ट्रैफिक में चलाओगे तो आपको एक महीने में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो भाई परफेक्शन है, आई गेस की आकृति ने कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरा जस्टिफाई करके बताया होगा। अगेन ये कोई मेन ट्यूटोरियल नहीं था, लेकिन आप लोगों को फौरन आइडिया जो है वो पूरी चीजें आकृति ने समझा, बेसिक्स और मेडिवल लेवल तक हम पहुंच गए ऑटोमेटिक गाड़ी से। चलो भाई परफेक्ट है। सो गाइस ये था एक बेसिक लेवल सीखने का ऑटोमेटिक गाड़ी का, जो कि चलानी बहुत इजी है अगर आपके पास है, या अगर आपके पास नहीं भी है तो फिर भी अगर आप लेना चाहें तो ऑटोमेटिक आप ले सकते हैं, इट इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन मैनुअल। सो इसके साथ ही आज की ये वीडियो में यहीं पे एंड कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, लिखिए आकृति 7811 AKR88 7811। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल, नमस्ते।